ज्ञान ही है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना इतिहास है मतलब वो। हाँ बराबर बराबर। आप कहीं करो बकरी चारो? बकरी चार। गाँव की वापरो? मारा हुई थी भादरा जी। भादरा जी धान। हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम माई बैक व्लॉग गाइस। तो दोस्तों, आज हमारा टूर होने वाला है जोधपुर की ओर। दोस्तों, एक ऐसी लोकेशन पे जाएंगे हम लोग जहाँ पे दोस्तों ऐतिहासिक हिस्टोरिकल युद्ध हो रखा है। दोस्तों, आज भी वहाँ पे कुछ अश्वेज मिलेंगे जहाँ के स्थानीय लोग उनसे बातें करेंगे गाइस हम लोग। तो बहुत ही खतरनाक वाली ये लोकेशन है राजस्थान की गाइस, जोधपुर के पास, जहाँ पे दरबार के, जोधपुर दरबार के द्वारा युद्ध लड़ा गया। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं फिलहाल दोस्तों। तो अभी हमने बाइक ले ली और बाइक से हम जाएंगे दोस्तों पूरा जंगल इलाका वहाँ जाएंगे दोस्तों। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। चलते डायरेक्ट मिलते उस लोकेशन पर जाके गाइस। वो मोटा दाम है? वो मोटो है। बराबर। मतलब इतिहास बहुत पुराना, मतलब आगे धुमड़ा माता जी। बराबर। अनो इतिहास पुराना है ना वा? हाँ ना, पुराना ही है। अच्छा, पुराना इतिहास है ना। एक ये दौल जी और गंगल जी किया था, मतलब दौल जी गंगल जी ही है। बराबर बराबर। आपने तो अपने काफी साल भी पुराना भी आप तोटे। हाँ जी, आपने सब ध्यान भी है ना। अच्छा बराबर। बकरी सार वाड़े ना पूरे जंगल में? गर्मी टाइम में तो बहुत गर्मी ज्यादा पड़ती हुई ना? ना कोई नहीं कहता, गर्मी नहीं हटे ना, कम है, कम है। सरवान तो फुल हटे ना। हाँ जी बराबर। ये दौल जी और गंगल जी? हाँ बराबर। तो गाइस, एक जंगल में दुकान आई हुई है, छोटी सी दुकान से पूछते हैं यहाँ पे कैसे है। पब्लिक हमेशा चालू से रहे, मतलब तो बरमा चालू रहे। बराबर। पहले हटे आप मतलब नहीं बैठते, पहले नाले नीचे लेना पड़ता है ना? नहीं बैठा। अबे मतलब हमें हटे रेगुलर बैठो आप ना? कायम फिक्स है। सही। आप कहीं दूर थी विचार आवे तो मतलब ले सके ना आवे ना? हाँ बराबर। नहीं तो कहीं कहीं आवे तो डायरेक्ट ऑटो ले आवा पड़ पासो। मने खुद नहीं दियो, नहीं तो नमस्ते मैं ऑटो ले निमला नहीं गा ऑटो ले नहीं आ गई ना कोई ने करी गेम का। बराबर बराबर। हां तो कोई भी आए तो डायरेक्ट वो ले से कटावे ना? ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वीडियो शूट कर रही हूं YouTube में, ठीक है ना? हां तो कहीं कोई भी आ सके तो डायरेक्ट मिल सके। हां आप कभी भी दाना रे आओ तो डायरेक्ट यहाँ आओ, यहाँ सब मिलेगा मतलब नाले वगैरह। सिरोही? हाँ बराबर बराबर। तो कहीं अटे कहीं दिक्कत नहीं पड़े मतलब आए तो डायरेक्ट अटे नाले वगैरह सब मिल सकते हैं? अच्छा हाँ बराबर। मेन अटे पहले फर्स्ट अटे आवे ना, बने बाद में हैंगटी देवी जी ना, पहले अटे? अच्छा बराबर सही है। तो गाइस देख सकते हैं ये है मंदिर डोनारी दोतावीर। आप यहाँ आओ तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे नाले वगैरह मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी आओ। तो दोस्तों, ये सामने जो छतरी दिख रही है आपको, इस जगह वो युद्ध जो लड़ा गया था उनकी जो वीरगति हुई थी उनके द्वारा यहाँ पे मंदिर स्थापित किया गया दोस्तों, जहाँ पे दौल जी और गोंगल जी, ये वीर दौल जी के नाम से जाना था दोस्तों। ये स्थान है पूरा, ये रोड आया, इसी रोड अभी तो पक्का कर दिया, पहले कच्चा था, इसी जगह युद्ध लड़ा गया था। जोधपुर के दरबार द्वारा जो सेना है वो यहाँ पे भेजी गई थी दोस्तों, और यहाँ पे एक हिस्ट्रिकल युद्ध हो रखा था जहाँ पे आज भी ये मंदिर बना हुआ दोस्तों। तो ये लोग इसकी आज भी पूजा करते हैं यहाँ पे दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर ये वाला दोस्तों, मामा जी माना जाता है। तो गाइस एक पार्ट तो हमने दिखा लिया ये वाला हिस्ट्री इधर का था, अभी एक और ये दादे इनके ही भाई थे दोस्तों गोंगल जी, उनका भी युद्ध हो रखा आगे। तो आगे और भी चलते दोस्तों, यहाँ से थोड़ा और दो पहाड़ी में, उस पहाड़ी में भी जाएंगे, वहाँ पे और भी स्थानीय लोगों से बात भी करेंगे गाइस। तो आज हमारी बाइक है दोस्तों, बाइक में पेट्रोल भी बहुत कम है दोस्तों, आगे जाके रवाना भी पेट्रोल के पास। तो चलते डायरेक्ट मिलते पहले वहाँ पे जाके दोस्तों। यहाँ पे देखते रास्ते में देखते क्यूट क्यूट बकरियाँ दोस्तों, यहाँ पे देखते राजस्थान का कल्चर ही कुछ और है दोस्तों। यहाँ पे देखने के लिए बहुत ही कुछ है दोस्तों, देख सकते बकरियों का पूरा झुंड जा रहा है यहाँ से दोस्तों ये वाला, और ये भाई बकरी जा रहा है दोस्तों, देख सकते हो। राजस्थान की ऐसा हिस्ट्री है दोस्तों, जहाँ पे बहुत सारी पुरानी पुरानी मूवियों में आपको ये सीन देखने को मिलेगा यहाँ पे दोस्तों।
तो अभी गाइस हम यहाँ से जा रहे थोड़ा आगे की ओर, पहाड़ी से थोड़ा आगे जाएंगे तो आगे और एक स्थान आया वो दिखाने की हम कोशिश करेंगे दोस्तों। तो अभी हम बाइक ले लें जहाँ पे आपकी नजर जा रही पूरा पूरा पहाड़ी लगा एकदम खार का रेगिस्तान जैसा पहाड़ी लगा कैसे दोस्तों, पूरा पहाड़ी आया हुआ दोस्तों। यहाँ पे बहुत ज्यादा पहाड़ वाला इलाका है ये वाला। तो गाइस बकरियां देख सकते और छोटू की हाल है बढ़िया है। आज बहुत ज़्यादा एडवेंचर होने वाला गाइस, आप देख सकते हैं एकदम पूरा कच्चा रास्ते हम आगे पहाड़ी के रास्ते में हम आ गए अभी, और इधर पूरा पहाड़ी एकदम कच्चा रास्ता है। और हमारे पास जो बाइक है वो दोस्तों स्प्लेंडर है, तो स्प्लेंडर तो पहाड़ियों को अंदर निकलती है जैसे देख सकते अभी निकल रही, फिर भी रास्ता बना हुआ है छोटा सा रास्ता है जहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह निकलते हैं दोस्तों, ऐसा रास्ता है राजस्थान का दोस्तों। और आजू बाजू हम देखेंगे तो बहुत सारे पहाड़ वगैरह लग रहे गाइस। तो मैं तो यार इस लोकेशन में बहुत फर्स्ट टाइम आया दोस्तों, मेरे को भी किसी ने बताया कि बहुत ही तगड़ी लोकेशन है गाइस। तो यहाँ पे मैंने सोचा आपको भी दिखाना था ऐसी लोकेशन। तो गाइस वीडियो को एंजॉय करें, बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले भाई, और आप भी एक प्यारा सा कमेंट करें दोस्तों। और भी राजस्थान से हो तो कोई लोकेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे गाइस। घाटी वाला इलाका लग रहा है मेरे को, पूरा घाटी है एकदम, रास्ता अंदर होके निकला वो पहाड़ तोड़ के अंदर से रास्ता निकला हुआ ये छोटा सा रास्ता। इस जगह भी पहले हिस्ट्रिकल युद्ध हो रखा है, कांगल जी उनके भाई है वो, इनका यहाँ पे सेना से टकरा हुआ था गाइस, जहाँ पे देख सकते ये वाला युद्ध यहाँ पे लड़ा गया था। अभी मैं आपको बाइक पे चलता हुआ पूरा दिखाते हुआ चलूँगा गाइस। यहाँ से देख सकते ये वाला है मंदिर जहाँ दूसरे भाई है उनका, यहाँ पे जो मंदिर है वो स्थापना कहा गया वो दिखाऊँगा मैं अभी दोस्तों। तो ये वाला मंदिर बना हुआ है सामने वाला दोस्तों, जहाँ पे मैं भी फौस गया हूँ, ये उनके दूसरे भाई थे बड़े भाई, उनका मंदिर है यार कोंगल जी धोनाजी वीर कोंगल जी, ये वाला मंदिर है। तो देख सकते हैं घोड़े के साथ है ये घोड़े, धोनाजी मामा जी नाम से जाना जाता है गाइस। तो बहुत ही फेमस है राजस्थान का ये मंदिर गाइस दोस्तों। धोनाजी मंदिर पहाड़ों के बीच में मंदिर है, अभी तो बहुत ज़्यादा सुविधा हो रखी है यहाँ पे मंदिर में दोस्तों, देख सकते हो ये मंदिर है पूरा। ओ तो बड़ा ही खूबसूरत मंदिर है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग ये वाला पूरा मंदिर है राजस्थान धौनेरी मामा जी धोता भी गाइस। तो देख सकते हैं ये मंदिर है कुछ इस तरह से बना हुआ है गाइस, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है मेरे को। ये कुछ इतिहास लिखा हुआ है गाइस, देख सकते हो लालू बण बणजारा को प्रसाद दिया बहुआ को अबू को जालों में, देख सकते गाइस ये है इनका वीरों का जोधपुर दरबार के ऊँट सरवाया को प्रसाद दिया। तो गाइस ये है जोधपुर के दरबार जहाँ ऊँट सरवाया उनको प्रसाद दिया था। तो बहुत ही पुराना ऐतिहासिक मंदिर है दोस्तों ये वाला धोना दोतावीर, बड़ी खूबसूरत तस्वीर यहाँ की देख सकते गाइस।